Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार माह के लंबे निद्रा के बाद जागते हैं और इसके साथ ही सारे शुभ मुहूर्त खुल जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह तुलसी से कराया जाता है। तुलसी विवाह का पर्व आज ही मनाया जा रहा है। तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराने वाले व्यक्ति के जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उस पर भगवान हरि को विशेष कृपा होती है। तुलसी विवाह को कन्यादान जितना पूरे कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न कराने वालों को वैवाहिक सुख मिलता है। एक चौकी पर तुलसी का पौधा और दूसरी चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करें। इनके बगल में एक जल भरा कलश रखें और उसके ऊपर आम के 5 पत्ते रखें। तुलसी के गमले में गेरू लगाएं और घी का दीपक जलाएं। तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें और रोली चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले में ही गन्ने से मंडा बनाएं। अब तुलसी को सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी ओढ़ा दें। गमले को साड़ी लपेट कर चूड़ी चढ़ाएं और उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत हाथों में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद आरती करें। तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटें। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.